हेलो फ्रेंड्स, मैं गायत्री हाउ टू मेक में आप सभी का स्वागत करती हूं। और आज आपके साथ मैं कलाकंद की एक नई रेसिपी लेके आई हूं, बटर स्कॉच कलाकंद, जो खाने में बहुत ही टेस्टी है। बटर स्कॉच के जो क्रंच मुंह में आते हैं वो तो आपको पता है कितने टेस्टी लगते हैं, तो वही रेसिपी मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ कलाकंद के साथ में। और आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगती हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। सबसे पहले हम बनाएंगे बटर स्कॉच क्रंच। तो मैंने यहाँ पर 1/2 कप शुगर लेकर और 1/4 पानी लेके बॉयल होने के लिए रख दिया है। शुगर का अच्छे से मेल्ट होने देते हैं और फ्लेम को लो पे रखना है, लगातार चलाते रहना है। शुगर नीचे नहीं चेटना चाहिए तपेली में, और इस तरह से चलाते हुए शुगर का अच्छे से मेल्ट करना है। और यहाँ पर ये शुगर मेल्ट हो गया है और शुगर का कलर भी चेंज हो गया है, देख रहे हैं आप, और ये गोल्डन कलर आ गया है। तो मैं गैस ऑफ कर देती हूँ और इसमें 1/2 टीस्पून में घी डालूंगी। यहाँ पर मैंने गैस को ऑफ करने के बाद ही घी डालना है आपको, और अच्छे से मिक्स करके इसमें जो मैंने ड्राई फ्रूट्स लिए थे, काजू बादाम, उन्हें मैंने बिल्कुल बारीक कर लिया है, वो डाला है, और अच्छे से मिक्स करना है। और किसी भी घी लगी प्लेट में आप घी लगा लीजिए किसी प्लेट में। और यहाँ पर इस प्लेट में मैंने घी ग्रीस कर रखा है, तो मैं इसमें ही इसे डालूंगी सेट होने के लिए, अच्छे से जम जाएगा ये इसके अंदर। यहाँ पर आप देख रहे हैं इसे मैंने प्लेट में फैला दिया है, और इसे मैं थोड़ा सा स्पून से फैला देती हूँ और अच्छे से, और इसे 2 घंटे के लिए रख देते हैं ठंडे स्थान पर, तो ये अच्छे से सेट हो जाएगा, एकदम कड़क हो जाएगा। तो चलिए मैं इसे रख देती हूँ। और यहाँ पर आप देख रहे हैं मैंने 1.5 लीटर दूध लिया है, जिसे तपेली में डाल के उबालने के लिए रख दिया है, और गैस ऑन है। इसमें पहले उबाल आने देते हैं, ये फुल फैट क्रीम दूध है, और इसमें अच्छे से उबाल आने देते हैं। अगर आप दूध से नहीं बना रहे हो तो मार्केट में मावा भी मिलता है, आप उससे भी बना सकते हो, उससे फटाफट 10-15 मिनट में बन के तैयार हो जाएगा, उसमें टाइम नहीं लगता है, सिर्फ बटर स्कॉच क्रंच बनाना रहेगा आपको। और कलाकंद तो फटाफट बन के तैयार हो जाता है रेडीमेड मावे से, बस दूध में टाइम लगता है थोड़ा, जब हम दूध से बनाते हैं तो उसमें टाइम लगता है, 2-3 घंटे लग जाते हैं। और यहाँ पर आप देख रहे हैं दूध में उबाल आ रहा है, और यहाँ पर दूध में उबाल आ चुका है, तो मैं फ्लेम को मीडियम पे कर देती हूँ, और लगातार चलाते हुए इसे हमें 1.5 लीटर दूध से हाफ करना है। अगर आप 2 ले रहे हो तो 1 लीटर दूध उबाल के रखना है आपको, इतना हाफ करना है। तो मैं इसे उबाल कर बिल्कुल आधा कर लेती हूँ, तो इसे उबलने देते हैं हम और लगातार स्पून से चलाते रहेंगे। और यहाँ पर ये 1.5 लीटर दूध से हाफ रह गया है, तो इसमें मैं डाल देती हूँ 1 कप शुगर, शुगर आप टेस्ट के अकॉर्डिंग डालिएगा। और इसे फिर से लगातार चलाते हुए पकाना है हमें, इसे छोड़ना नहीं है, नहीं तो चिपक जाएगा नीचे ये। यहाँ पर मैं डाल देती हूँ 1/2 टीस्पून इलायची पाउडर, और इसी के साथ में डाल रही हूँ मैं 1 चने के बराबर फिटकरी का टुकड़ा, ये देखिए इसे भी डाल दिया है मैंने इसमें। अच्छे से मिक्स करना है, लगातार चलाते रहना है। फिटकरी के टुकड़ा मैंने इसलिए डाला है कि ये दूध को फाड़ने का काम करता है, आप चाहो तो नींबू का रस भी डाल सकते हो, और इसे लगातार चलाते रहेंगे हम। यहाँ देख रहे हैं आप, ये और ठीक हो गया है, और इसे हमें जब तक पकाना है जब तक ये तपेली को नहीं छोड़ देता है, एकदम गाढ़ा नहीं हो जाता है, तो इसे लगातार चलाते रहना है, बिल्कुल स्पून को छोड़ना नहीं है। और यहाँ आप देख रहे हैं कैसे दाने दाने आ गए हैं इसमें, बस यही कारण है नींबू का रस और फिटकरी डालने का, कि ये दूध को फाड़ देता है और इस तरह से दाने दाने बन जाते हैं इसमें, जो कलाकंद में रहते हैं और खाने में बहुत ही टेस्टी लगते हैं। बस इसी तरह से पकाते हुए इसे एकदम थिक करना है हमें, जब तक ये तपेली को नहीं छोड़े तब तक पकाना है इसे। और यहाँ पर आप देख रहे हैं ये बहुत ही अच्छे से पक चुका है, इसने तपेली को छोड़ना शुरू कर दिया है, ये देखिए। और मैं गैस ऑफ कर देती हूँ अब, और इसे ठंडा होने देते हैं। यहाँ पर मैंने केक का बर्तन लिया है, इसी में मैं कलाकंद को सेट करूँगी। इसमें मैंने घी से ग्रीस कर लिया है, इसे हम अभी एक साइड रख देते हैं। और बटर स्क्रॉच क्रंच बनाया था वो भी तैयार हो चुका है, ये देखिए बहुत ही अच्छे से सेट हुआ है ये, और ये फट से निकल गया, ज़्यादा टाइम नहीं लगा इसको, और ये बहुत ही क्रंची बना है। और इसे मैं पीसेस कर लेती हूँ, इसको दरदरा हम पीस लेंगे, आप चाहो तो मिक्सर में बहुत ज़्यादा बारीक हो जाएगा, इस तरह से आप किसी से कूट के और इसे बारीक कर लीजिए। और यहाँ पर आप देख रहे हैं इस तरह से मैंने इसे बारीक कर लिया है, और यहाँ पर कलाकंद भी तैयार है, तो मैं इसे डाल देती हूँ इसके अंदर, और अब अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। और यहाँ पर मैंने मिक्स कर लिया है, तो इसे मैं सेट होने के लिए रख देती हूँ। जो केक का बर्तन मैंने लिया था इसे मैं इसे सेट होने के लिए रख रही हूँ, इसे घी से ग्रीस कर रखा है मैंने। और किसी कटोरी की मदद से इस तरह से चारों तरफ फैला दीजिए इसे, एक बिल्कुल एक जैसा बना दीजिए प्लेन। और यहाँ पर ये अच्छे से जम चुका है, इसे मैं सेट होने के लिए रख देती हूँ 1-2 घंटे के लिए। और यहाँ पर इसे 1-2 घंटे हो चुके हैं, देखिए बहुत ही अच्छे से सेट हुआ है, तो इसके मैं पीसेस कर लेती हूँ।
यहाँ पर मैंने साइड से कॉर्नर से हटा दिया है इसे नाइफ से। अब मैं पीसेस कर लेती हूँ। जितने बड़े साइज़ के पीस चाहिए आपको आप कर सकते हो, पीस आप आपके हिसाब से कर सकते हो। और यहाँ पर देख रही है बहुत ही अच्छा बना है, आप ज़रूर ट्राई करिएगा इसे। और इसे मैं प्लेट में निकाल लेती हूँ। यहाँ पर मैं हल्का सा थप थप किया और ये निकल गया देखिए, और ये बहुत ही टेस्टी बना है। और ये जो क्रंच आएंगे मुँह में खाते समय कलाकंद को, तो इसका फ्लेवर बहुत ही अच्छा लगता है। ये देखिए इस तरह से मैंने पीसेस कर लिए हैं इसके। पहले से मैंने काट लिया था तो ये पीछे साइड से भी आसानी से कट गया है। और यहाँ पर ये टेस्टी डिलीशियस बटर स्कॉच कलाकंद बनके तैयार हो चुका है। और जब कलाकंद आप खाओगे और इसके क्रंच मुंह में आएगा तो बहुत ही टेस्टी लगेगा। तो आप इसे ज़रूर ट्राई करिएगा एक बार, और अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर और कमेंट करना नहीं भूलिएगा। पहली बार मेरे चैनल पर आएँ तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर दीजिए। और फिर मिलती हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय।